हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे और उसके साथ ही मैं हिंदी मीनिंग भी लिखती जाऊंगी, जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप इस वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द हेन दैट लेड सिल्वर एग्स। द हेन, ये द जो है आर्टिकल है, जो डिफिनिट आर्टिकल है, ये द यहाँ पे नहीं भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हेन मींस मुर्गी, दैट वह जो लेड दिया, लेड जो है खास करके अंडे के लिए ही ज्यादातर यूज किया जाता है, लेड एग्स अंडे देना, इस तरह से लेड दिया सिल्वर चांदी के एग्स अंडा, वह मुर्गी जो चांदी के अंडा दिया। वही अंडा मुर्गी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, किस तरीके से चांदी का अंडा देता है, आप देखिएगा तो समझेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, अ ग्रीडी वुमेन वंस फाउंड अ हेन हु लेड सिल्वर एग्स। और ये आर्टिकल है जो किसी भी नाउन में यदि साउंड कंसोनेंट का आता है तो उससे पहले आर्टिकल ए लगता है। ए मींस एक, एक ग्रीडी, ग्रीडी मींस होता है लालची, ए मींस एक, एक लालची वुमेन औरत वंस एक बार, वंस मींस एक बार, फाउंड मिला या ज्ञात किया, फाउंड अ हेन मिला और एक हेन मुर्गी, एक औरत जो लालची औरत थी उसको एक मुर्गी मिली, हु लेड सिल्वर एग्स, हु जो लेड देती थी सिल्वर चांदी के एग्स अंडा। एक लालची औरत थी जिसे एक मुर्गी मिला जो चांदी के अंडा देती थी। She decided the hen must eat more so that it can lay more eggs. वह सीमेंस, वह लड़की के, लेडीज के लिए यूज होता है, decided निर्णय लिया, द हेन मुर्गी को, मुर्गी को मस्ट चाहिए ईट खाना खिलाना, खाना खिलाने का, खाना खिलाने का मोर अधिक, so that means ताकि, it means यह भी होता है, वह भी होता है, वह can lay दे सके, lay means देना, दे सके more eggs, more means अधिक अंडा। वह निर्णय लिया है मुर्गी को must eat, ईट खाना खिलाने को, मोर अधिक खाना खिलाना चाहिए, ये औरत ने सोची, निर्णय लिया, सो दैट ताकि ईट कैन ले वह दे सके मोर एग्स अधिक अंडा, इसलिए वो औरत चाहे कि अधिक खाना इसे खिलाना चाहिए। वन डे एक दिन, द हेन वॉज नॉट ईटिंग, मुर्गी वॉज थी नॉट ईटिंग नहीं खा रही थी, एक दिन मुर्गी नहीं खा रही थी, सो इसलिए द वुमेन फोर्स्ड द
him to eat a lot of food. Woman, औरत, first दबाव डाली, hen मुर्गी पर, to eat, to means के लिए, eat खाना, a lot of means होता है बहुत खाना, a lot means बहुत, food means भोजन, so इसलिए woman औरत first दबाव डाली, him to eat मुर्गी को खाने के लिए, a lot बहुत फूड भोजन, भोजन अधिक खाने के लिए दबाव डाली. नेक्स्ट मॉर्निंग अगले सुबह, she hoped that the hen would have laid more than one eggs. She उसने या फिर उसे hoped उम्मीद थी that कि मुर्गी हेन मुर्गी वुड हैव लेड मोर, विल का पास्ट वुड दिया होगा, लेड मींस देना, दिया होगा मोर अधिक, देन वन एग्स एक से अधिक, मोर देन वन मींस एक से अधिक, एक अंडा. सी होप्ड उसे उम्मीद थी दैट कि मुर्गी वुड हैव लेड दिया होगा मोर देन वन एक से अधिक अंडा, बट सी वॉज शॉक्ड टू फाइंड दैट हर, बट लेकिन सी वह थी शॉक्ड सदमा में, वह थी सदमा में टू फाइंड पाकर दैट कि हर हेन उसकी मुर्गी, बट सी वॉज शॉक्ड टू फाइंड दैट हर हेन हैड फॉलन सिक, लेकिन वह थी शॉक्ड सदमा में टू फाइंड पाकर दैट कि हर उसकी हेन मुर्गी हेड थी फॉलन सिक बीमार थी, इसलिए वो औरत सदमा में थी. इट स्टॉप्ड गिविंग एनी मोर सिल्वर एग्स, वह बंद कर चुकी थी. इट स्टॉप्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस वर्ब का सेकंड फॉर्म, गिविंग देना, एनी मोर कोई भी अंडा या एक भी अंडा नहीं देती थी, सिल्वर चांदी के एग्स अंडे, कोई भी अंडा नहीं देती थी, वो बंद कर चुकी थी अंडा देना क्योंकि वो बीमार हो चुकी थी. फ्रेंड्स इस स्टोरी से हमें मोरल क्या मिलती है, तो मोरल डोंट बी ग्रीडी, डोंट मत, बी मीन्स होता है होना, ग्रीडी लालची, मत होना लालची, ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज बी हैप्पी हमेशा, बी हैप्पी मीन्स खुश रहो, खुश रहना, रहो खुश, हमेशा खुश रहो, विद व्हाट एंड हाउ मच यू हैव, विद के साथ, व्हाट जो एंड और, हाउ मच जितना, यू हैव तुम्हारे पास है, डोंट बी ग्रीडी लालची मत हो, ऑलवेज बी हैप्पी हमेशा खुश रहो, विद वर्ड जो तुम्हारे साथ है, एंड और हाउ मच जितना यू हैव तुम्हारे पास है, उसके साथ क्या रहो, खुश रहो, लालची मत बनो, ये इस स्टोरी का कहना है और यही इस स्टोरी से हमें सीख मिलती है. तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए,
ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। तो चलिए अब तक के लिए इतना है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।